प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस की ओर से सभी माकूल व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिए जयपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत लगभग 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ में अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर मोबाइल पुलिसिंग भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि जयपुर सिटी में आज रात सख्त नाकाबंदी शुरू हो जाएगी और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। जयपुर में जयपुर शहर लोकसभा सीट के लिए और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के लिए मतदान है, उसके लिए पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे कि चुनाव न केवल शांतिपूर्ण बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। इसके लिए जो जयपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों को कल के चुनाव ड्यूटी के लिए नियोजित किया गया है, कल के चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो पोलिंग पार्टी के साथ जाने वाले पुलिस कर्मचारी हैं उनको आज रवाना किया जा चुका है। उन मतदान बूथों को बहुत एक्सरसाइज करके चिन्हित किया गया है जो किसी न किसी वजह से वल्नरेबल हैं, वहाँ पर अलग पुलिस की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा इसी प्रकार के वल्नरेबल जो बूथ्स और पॉकेट्स हैं उनको कवर करने के लिए पैरामिलिट्री की मोबाइल और क्यूआरटी या इमरजेंसी रिस्पांस टीम और क्विक रिस्पांस टीम।